नमस्कार, मैं ओंकार सिंह और आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ। आज हम अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कूद में खड़े हैं। आज जहां पर एक टूर्नामेंट चल रही है, सिपाही जोगिंदर चंद जो कि जहां के अर्जाइनिंग इलाका अर्जाइनिंग पंचायत मादा से हैं, वो अभी पिछले साल शहीद हुए थे, उनकी याद में जहां पर टूर्नामेंट कराई जा रही है। तो इसी के चलते हम बात करेंगे जहां के कुछ सीनियर लोग हैं। तो अभी हम बात करेंगे जहां के डीडीसी मिस उषा देवी जी, इनसे बात करेंगे और टूर्नामेंट के बारे में जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम? नमस्कार, मैं डीडीसी काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी चिनानी उषा। आज यहां पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कूद में आई हूं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पे कूद क्लब की तरफ से जो है वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। और जो हमारे अपने ही लोकल भाई थे मादा से जो शहीद हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, जो आर्मी में थे और इनका नाम है जोगिंदर जी, तो इनकी मेमोरी में जो है वो हम इसको इस क्रिकेट टूर्नामेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सरपंच मादा कप्तान जो आ गए हैं और डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन जो है दोनों टास्क करवाएंगे अभी। हेड आया हुआ है आपकी टीम का नाम मानतलाई भी जो है, उन्होंने टास्क जीता हुआ है, तो आप ये डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है? बैटिंग कर रही है, उन्होंने फैसला लिया है बैटिंग कर रहे हैं। आप तो चिनानी वाले जो है वो फील्डिंग करेंगे। ठीक है, चढ़ा हुआ है, कोई शतों पे बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना है? ये तो एक बढ़िया रखा था, चार गेंदे डॉट, पांचवी गेंदे क्लीन बोल्ड हो गया, जहाँ पर संस्था कहीं ना कहीं चूक हुई है, दो रन दो विकेट माफी पर बॉलर ने रमन, जहां पर यहां पर बहुत ही डिफेंसिव अंदाज में हालेबाजी सुमित द्वारा, जिस बात के लिए जाने जाते हैं सुमित वही कृष्णा करके दिखा रहे हैं। रमन दौड़ना शुरू किया, बॉल करवाएंगे सुमित को, बॉल करवाई यहां पर हाफ साइड की तरफ, बॉल को मोड़ दिया है, गौरव के हाथ में बॉल, दौड़ना शुरू किया, बॉल गुड़ाई सुमित को, सुमित ने भी मारा है यहाँ पर, बॉल हाफ साइड की तरफ जाती हुई, बहुत ही बड़ा विकेट खोया है ब्लैक पैंथर्स ने। सुमित अच्छा खेल रहे थे, स्टेयर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ और सीधा विकेटों के बीच में बॉल जा लगी और अपना